पाकिस्तान से आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। आए दिन वो किसी न किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रही हैं और किसी न किसी तरह से ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो हिंदू संस्कृति में किस तरह रंग गई हैं। सीमा हैदर ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने नोएडा स्थित घर पर तिरंगा फहराकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। अब शनिवार को हरियाली तीज के मौके पर सीमा हैदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पूजा अर्चना करते हुए दिख रही हैं। हरियाली तीज पर जिस तरह हिंदू महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनती हैं और 16 सिंगार करती हैं, उसी तरह सीमा ने हरे रंग की साड़ी पहनी और गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और सुहागिन की तरह श्रृंगार किया है। सीमा हैदर ने पूरे देश को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी और खुशहाली की कामना की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में सीमा हैदर जय श्री राम के नारे से शुरुआत करते हुए कहती हैं कि आज हरियाली तीज के मौके पर मैं सभी को तीज की शुभकामनाएं देती हूं। आज मैंने अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा की है, साथ ही वो अंत में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाती हैं। वीडियो में सीमा हैदर सबसे पहले हाथ जोड़कर जय श्री राम कहती हैं और कहती हैं कि आज वो हरियाली तीज का त्यौहार अपने परिवार के साथ मना रही हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हैं। सीमा हैदर ने कहा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ देश की खुशहाली और हरियाली की कामना करते हुए विश्वास करती हूं कि माननीय मोदी जी और योगी जी तंत्र में देश तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। इसके बाद सीमा हैदर पूरे हिंदुस्तान को पर्व की बधाई देती हैं और आखिर में हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम का जयकारा लगाती हैं। ये पहली बार नहीं जब सीमा हैदर का ये अंदाज नजर आया हो। इससे पहले भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीमा हैदर ने अपने घर की छत पर तिरंगा झंडा लहराया था और भारत माता की जय के नारे लगाए थे। इस दिन भी सीमा तिरंगे के रंग में साड़ी पहने दिखी थी। हाल ही में सीमा हैदर ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें वो सचिन और उन्हें अपशब्द कहने वाली महिला मिथिलेश के बारे में बात कर रही हैं। सीमा वीडियो में कहती हैं कि मेरे पति गुलाम हैदर ने मुझे 3 तलाक देकर 4 साल पहले छोड़ दिया था। इसी के चलते मैं सचिन के प्यार में भारत आई। जो गलतियां मैंने की हैं मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसके बाद भी एक महिला द्वारा मुझे और मेरे पति सचिन को बुरा भला कहा जा रहा है, इसलिए मिथिलेश को कोर्ट द्वारा नोटिस भिजवा दिया है।